हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। आई होप सो आप मेरी क्लासेस को देख रहे होंगे और आपको मेरी क्लासेस अच्छी भी लग रही होंगी, और मैं साथ में आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और सेफ भी होंगे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, आज की कोई क्लास नहीं है, कुछ खास है बच्चों के साथ है, जिसमें मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जिसका टॉपिक है ऑनलाइन क्लास क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, उसी को लेके मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, ये क्लास बनाई है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल भी आया है, मैसेज भी करते हैं, या फिर एक दूसरे से पूछते भी होंगे कि ऑनलाइन क्लास क्या है, ये क्या चीज़ है। तो मैं आज उन्हीं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ या उन्हीं स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लास क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक के बारे में बताती हूँ। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि हम, आप यानी स्टूडेंट और टीचर, घर बैठे हुए हम लोग एक दूसरे के साथ वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही पढ़ाई करेंगे जैसे हम अपने स्कूल में करते हैं, जैसे अपने क्लासरूम में करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी एक अच्छी पॉलिसी निकाली है जो कि बहुत बेहतरीन है, जिसमें बच्चों की स्टडी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, और कहा गया है कि टीचर अपने घर बैठे बच्चों को पढ़ाए और बच्चे भी घर बैठे ही पढ़ाई करें। जैसे कि फ़ोन सबके घरों में आजकल अवेलेबल होता है, मुश्किल ही होगा कि 10 या 20% लोग ही ऐसे होंगे जो फ़ोन से कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट मोस्टली लोग फ़ोन से, स्मार्टफोन से या लैपटॉप से, आजकल घर में कंप्यूटर्स भी हैं, लोगों ने वाईफाई भी लगाया हुआ है, काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ रहते हैं। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला था, बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी कि हम टीचर्स आप लोगों को घर में बैठ के पढ़ाएं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट को, कि बेटा आप लोगों के भी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस आ रही होंगी, ऑनलाइन क्लास में आपके टीचर्स वीडियोज़ बनाकर या फिर वर्कशीट के थ्रू या कुछ भी नोट मेकिंग के थ्रू आपको, आपके साथ आपकी पढ़ाई, आपका सब्जेक्ट शेयर कर रही होंगी। तो इसीलिए इसको आप लीनियंट ना लें, मजाक में ना लें, इसको बहुत ही सीरियस लें, जैसे आप अपनी क्लास में लेते हैं, जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ाई करें। ठीक है, तो यही मैं गुजारिश, यही रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी करना चाहूँगी कि देखिए इस टाइम बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको घर में उनको केयर तो करना ही है, साथ में उनकी पढ़ाई को भी लेके केयर करें। उनके टीचर जो जो वर्क ऑनलाइन करवा रही हैं, बच्चों से कहिए और अपनी निगरानी में करवाइए कि वो बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है, हमारी बनती है, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चा काम पूरा कर रहा हो, टीचर की बात समझ रहा हो, और बीच बीच में कभी पूछ भी लिया करें कि तुमको समझ में आया, कि तुम्हारी टीचर ने आज क्या पढ़ाया। तो ऐसे बीच बीच में बच्चे से फीडबैक भी लेते रहें, तो बच्चे को भी रहेगा कि हाँ मेरी क्लास चल रही है, उसे ये नहीं लगेगा कि मैं घर बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ पे भी पूरा पूरा ध्यान रखें, और बच्चों को बिल्कुल बाहर जाने मत दें, घर में ही पढ़ाई करवाएं और उनकी पढ़ाई में मदद करें। और यही मैं मैसेज बच्चों को बोलना चाहती हूँ, बेटा अपने टीचर का पूरा पूरा कहना मानिए, जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको वर्क दे रही है ऑनलाइन, उसको बहुत सीरियस वे में करें। अपनी पुरानी स्कूल की जो नोटबुक्स होती हैं, उनका कोई भी, जैसे पिन पेज हो गया, लूज पेज हो गया, या जैसे आपके स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं, उस वे में काम करिए, उस मैथड से काम करिए। ठीक है, ताकि हो भी सकता है कि जब आपके स्कूल खुले, ये लॉकडाउन खुल जाए, तो उन पेपर्स को चेक किया जाए, या बहुत से स्कूलों में तो पेपर्स बच्चे क्लिक करके भी भेज रहे हैं, तो टीचर्स चेक कर रही हैं, साथ में आंसर्स भी प्रोवाइड करवा रही हैं। तो बेटा अलग अलग स्कूलों की अलग अलग पॉलिसी है। तो बट टॉपिक ये था कि ऑनलाइन क्लास कैसे, क्या होती है। तो ऑनलाइन क्लास का मतलब यही है कि आप अपने घर बैठ के सुरक्षित अपनी टीचर के साथ अपना सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, तो आई होप सो आपको भी समझ में आया होगा, और जो पेरेंट्स देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में आया होगा कि बहुत सीरियस वे में इस चीज़ को लें और अपने बच्चों की पूरी पूरी मदद करें पढ़ने में भी, और बच्चे पढ़ने में खुद की मदद करें, क्योंकि जब तक हम खुद की मदद नहीं करते हैं ना, तब तक सामने वाला भी हमारी मदद नहीं करता। आई होप सो आपको ये मेरी क्लास या मैसेज या कुछ खास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक नमस्ते।